नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सही गाड़ी। मैं हूं श्रृंगार और आज मैं आपके लिए कंपेयर करने वाला हूं दो गाड़ियों को। दोनों गाड़ियां होंगी हुंडई की तरफ से, एक होने वाली हुंडई वेन्यू और दूसरी होने वाली i20। हुंडई वेन्यू की बात करें तो ये होगी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी और i20 की बात करें तो ये है दोस्तों एक प्रीमियम हैचबैक। अब देखते हैं कि क्या चीज इसको कॉम्पैक्ट एसयूवी बना रही है, क्या दोनों में फीचर डिफरेंस है, ताकि हम एक जान पाए कि हाँ कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि लगभग प्राइस रेंज दोनों का सेम होता है। जहां पर आप अगर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लेना चाहते हैं तो i20 में आपको IMT मिल जाएगा, 10 लाख में 11 लाख में कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी। अगर आप iTurbo इंजन लेना चाहते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन वेन्यू में टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 1 लीटर वाला, तो आपको लगभग 11.5-12 लाख पे करने पड़ेंगे। तो आपको ये चीज मैं क्लियर करूंगा कि क्या आपको i20 का टर्बोचार्ज IMT ले लेना चाहिए या फिर आपको वेन्यू के लिए ही जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को और देखना चाहते हैं इसी प्रकार का कंटेंट आगे भी, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, तभी तो आप आगे भी इस प्रकार की वीडियोस देख पाएंगे हमारी तरफ से। अब आपने सब्सक्राइब का बटन दबा ही दिया है दोस्तों, तो फिर चलिए इस वीडियो को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर स्टाइलिंग की, डिजाइन की, तो वेन्यू जहां पर थोड़ी सी बॉक्सी शेप के साथ आ जाती है, वहीं i20 की बात करें थोड़ी प्रीमियम हैचबैक बिल्कुल लगती है, प्रीमियम गाड़ी लगती है, लंबी सी थोड़ी गाड़ी लगती है। अभी जो नई स्टाइल आई है उसकी बात करें तो बहुत ही बढ़िया देखने में लगती है दोस्तों। जेड टाइप की आपको LED टेल लैंप्स पीछे की तरफ दिख जाएंगे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प सामने की तरफ दिख जाएंगे, एंटीना दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाता है। हाँ, थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा आपको देखने मिलता है वेन्यू में, जबकि i20 में उतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलता है। फिर भी हम देखेंगे कि क्या बेसिक फ़र्क है, क्या आपको सच में कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी चाहिए या फिर आपका काम हुंडई i20 से भी होने वाला है। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों हुंडई वेन्यू की SX ऑप्शनल 1.0 टर्बोचार्ज वाली गाड़ी, जिसका एक्सशोरूम प्राइस है 11,04,000 रुपये, और हम इसे कंपेयर करेंगे हुंडई की i20 एस्टा 1.0 टर्बोचार्ज IMT के साथ, जो कि टॉप एंड वेरियंट है टर्बोचार्जर के साथ, 9.90 लाख से, यानी कि मैंने जैसे कहा 11 लाख में गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इंजन की। आपको मिल रहा है 1.0 लीटर का कप्पा टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन GDI। वहीं बात करें हुंडई i20 की, यहां पर भी आपको 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल इंजन मिल रहा है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट 998 cc होता है, 3 सिलेंडर इंजन होता है दोस्तों, ये पेट्रोल इंजन है। 118 BHP की पावर दोनों ही गाड़ियां जनरेट करती है, टॉर्क भी 172 Nm का जनरेट करती हैं। अब आप सोचेंगे कि यार ये एक SUV है, उसमें टॉर्क जो है कम RPM पर हो जाता होगा, एक तो हैचबैक है, दोनों गाड़ियां 1500 RPM पर ही एक आपको 172 Nm का टॉर्क देना शुरू कर देती है, तो यहां पर इंजन परफॉर्मेंस में आपको फर्क तो नहीं मिलेगा। हाँ, ऑफ रोडिंग के लिए, जो कि मेन पर्पज़ होता है SUVs का, अगर आप ज़्यादा कच्चे रास्तों पर चलते हैं या फिर आप थोड़े जंगल में जाना पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेनिफिशियल हो जाएगी वेन्यू, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। बट आप i20 लेकर भी जा सकते हैं, रेसिंग अच्छी खासी मिलने वाली है, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों माइलेज की बात कर लेते हैं। माइलेज आपको वेन्यू में मिलता है 18.2 km/L का, जबकि आपको इतने ही पावर और टॉर्क के साथ 20.25 km/L का माइलेज निकालकर i20 देती है। फिर क्यों आप चूज कर रहे हैं हुंडई वेन्यू को? एक दो फीचर्स हैं हम गाड़ी के, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो मैं चीज़ क्लियर कर दूंगा कि हुंडई वेन्यू क्यों ली जाती है i20 के ऊपर। सबसे पहले तो डायमेंशन वेट की बात कर लें, तो आपको लग रहा होगा कि दोनों गाड़ियों में ज़्यादा लंबी वेन्यू होगी क्योंकि ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा बड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी, बट ऐसा नहीं है। दोनों गाड़ियों की लेंथ 3995 mm होती है। विड्थ की बात करें तो यहाँ पर तो हुंडई i20 ज़्यादा चौड़ी है, 1770 mm विड्थ आपको मिल रही है हुंडई वेन्यू में, जबकि 5 mm ज़्यादा चौड़ी, 1775 mm विड्थ मिलती है i20 में। ऊंचाई में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ज़्यादा हाइटेड है, लगभग 10 सेंटीमीटर हाइटेड है वेन्यू, 1605 mm उसकी हाइट है, जबकि 1505 mm हाइट है i20 की। तो हाइट में थोड़ा सा फर्क आया है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं गाड़ी, आप दूर से भी देखें आपको पता चल जाएगा कि हाँ लगभग 7 से 8 इंच 10 इंच की ऊंचाई ज़्यादा है हुंडई वेन्यू की, और थोड़ी सी ऊंचाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से भी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। व्हील बेस की बात करें, जो कि मेन फीचर होगा, कैबिन एरिया कितना है, कितना अच्छा कंफर्ट आपको कैबिन एरिया में मिलेगा, थोड़ी सी कंजेस्टेड होती है दोस्तों हुंडई वेन्यू, यहाँ पर आपको 2500 mm का व्हील बेस मिलता है, जो कि आपको सभी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट्स में मिलेगा, लगभग ऐसा ही है। अगर आप देखें नेक्सॉन को, अगर आप देखें किया सोनेट को, तो आपको 2500 mm के लगभग ही व्हील बेस देखने मिलता है, जबकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है i20, 2580 mm का व्हील बेस मिलता है, मतलब बहुत ही बढ़िया लेग रूम मिलेगा आपको गाड़ी के अंदर, कैबिन एरिया काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस जैसे कि मैंने कहा था 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, लगभग 200 mm का 20 सेंटीमीटर का
वेन्यू में, वहीं 170 mm का ही 17 सेंटीमीटर का आपको मिल जाता है i20 में, तो यहाँ पर थोड़ी सी पीछे हो जाती है i20। बाकी व्हील साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, व्हील साइज दोनों गाड़ी में आपको 16 इंचेस के ही मिलेंगे। टायर साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़े से ज्यादा चौड़े टायर आपको मिलते हैं, 215 mm चौड़े टायर आपको मिल जाते हैं वेन्यू में, जबकि बात करें i20 की तो यहाँ पर 195 mm मिलेंगे, मतलब 2 सेंटीमीटर ज्यादा चौड़े दिखाई देंगे, दिखने में भी ज्यादा अच्छे लगेंगे। बट जैसा कि हाइटेड गाड़ी है तो उस पर टायर सूट भी करते हैं, अगर आप i20 की बात करें तो i20 में आपको 195 ही काफी अच्छे लगने वाले हैं। बूट स्पेस में भी थोड़ा सा फर्क मिलेगा, 350 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाएगा वेन्यू में, हाइट ज्यादा थी बिल्कुल, वहीं आपको देखें 311 लीटर का ही मिल पाता है i20 में, मतलब व्हील बेस ज्यादा करने की वजह से, आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, व्हील बेस ज्यादा किया है, लेंथ बराबर थी लेकिन व्हील बेस ज्यादा किया, इनर एरिया जो है, कैबिन एरिया जो है ज्यादा दिया गया है, तो बूट स्पेस थोड़ा सा कम वहां पर हो जाता है। दोस्तों बात करें ब्रेक्स की, दोनों गाड़ियों में सामने के व्हील्स में लगे हुए डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स। हालांकि आपको गाड़ी आप वेन्यू के लिए 1 लाख रुपए ज्यादा देंगे, बट इस गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे दोस्तों, जो कि अब धीरे से मार्केट में आएगा, जैसे डिस्क ब्रेक फ्रंट में आने लगे हैं सभी गाड़ियों में, आगे चलकर ये भी होगा कि चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे कंपनीज की तरफ से, फिलहाल हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। सो ये थी दोस्तों पावर परफॉर्मेंस, हमने देखा पावर के मामले में दोनों गाड़ियां लगभग सेम है, इंजन क्वालिटी सेम है, पावर सही जनरेट करती हैं, टॉर्क सही आपको एकदम सेम मिलता है। डायमेंशंस के मामले में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी व्हील बेस के साथ आपको i20 मिलने वाली है, हाइट का उतना डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, ऑफ रोडिंग पे थोड़े पथरीले इलाकों में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी वेन्यू, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, गाड़ी नीचे नहीं टकराएगी, बट i20 भी कम नहीं है। बात कर लेते हैं पहले कम्फर्ट की, फिर चलेंगे दोस्तों उन चीज़ों के ऊपर जो कि एक दूसरे को गाड़ियों से अलग करती है, जो सेगमेंट वाइज इनको डिफरेंट बनाती हैं। अगर बात करें कम्फर्ट की, बिल्कुल सीट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं, 8 अलग अलग वेज में आप एडजस्ट कर पाएंगे ड्राइवर सीट को, और पैसेंजर को ड्राइवर सीट जो है उसको 6 वेज में कर पाएंगे। पीछे की सीट्स पर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सीट अपोस्ट्री की बात करें कि कौन सी क्या आपको सीट अपोस्ट्री मिलेगी, तो आपको सीट अपोस्ट्री मिलती है दोस्तों वेन्यू में लेदर की, जबकि आपको आर्टिफिशियल लेदर मिलेगा, यानी कि रेक्सिन की सीट्स मिल सकती हैं, या फिर आर्टिफिशियल लेदर जो थोड़ा कम क्वालिटी में होगा वो मिलेगा i20 में। ये थोड़ा सा एक चीज़ है कि वेन्यू में आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के एक का इंटीरियर मिलता है, वहाँ पर भी आपको पेमेंट करना थोड़ा आसान हो जाता है कि यार, मतलब एक जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा मिटता है जब आप देखते हैं गाड़ी को अंदर से दोनों गाड़ियों को, तो वेन्यू थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है देखने में, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जिसपे आधारशिला ही हो गई एक प्रकार से वेन्यू अगर आप लेने जा रहे हो, तो बहुत सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी से लोग स्विच इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एसी भाई आप घर के अंदर से चला सकते हैं गाड़ी का, तो फिर ये गाड़ी तो बेटर है ना। साथ ही बात करें रियर आर्मरेस्ट, बिल्कुल दोस्तों i20 में रियर आर्मरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, बट वेन्यू में आपको रियर आर्मरेस्ट मिल जाता है, कप होल्डर के साथ मिल जाता है, इंटीरियर ड्यूअल टोन मिल जाता है ब्लैक एंड खाकी कलर का, जबकि आपको i20 में सिर्फ एक कलर ब्लैक कलर का मिलता है। अब लोगों के चॉइस पर डिपेंड करता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से, जैसे कुछ लोगों को ब्लैक इंटीरियर फुल चाहिए, ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोग अब ऐसी बात नहीं ब्लैक इंटीरियर पूरा है तो रूफ भी ब्लैक होगी, दोस्तों रूफ तो वाइट ही होती है, क्रीम कलर की होती है, नीचे से जो एरिया होता है उसको 2 कलर अलग अलग कलर में बांटा गया है, तो आपको इंटीरियर मिलेगा ब्लैक और खाकी कलर का वेन्यू में, और ब्लैक फुल ब्लैक कलर का मिलेगा i20 में। दोनों गाड़ियों में कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, दोनों गाड़ियों में आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स रखना चाहते हैं अपनी तो कूल्ड ग्लव बॉक्स हैं दोस्तों, ग्लव बॉक्स के अंदर एसी वेंट्स खुलेंगे वहां पर आप रख सकते हैं, एसी नहीं है सॉरी रेफ्रिजरेटर नहीं होता है, एसी होता है, एसी के वेंट खुलते हैं तो थोड़ा ठंडी जगह वो रहती है। सो ये थी दोस्तों कंफर्ट की बात। एसी कौन से मिल रहे हैं आपको, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं रियर साइड में, दोनों ही गाड़ियों में। आप सोच रहे होंगे कि हैचबैक गाड़ियों में रियर एसी वेंट्स नहीं होता, दोस्तों आजकल जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट होगी अल्टोज ले लीजिए i20 ले लीजिए, इनमें रियर एसी वेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, एक्चुअली होते ये ब्लोअर ही हैं, वेंट्स नहीं होते हैं, आप टेम्परेचर वहाँ से सेट नहीं कर पाएंगे, बट ब्लोअर्स होते हैं, सामने से सेट करके आप वही एयर पीछे भी ले सकते हैं। हीटर है, को ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर है, कैबिन बूट एक्सेस भी है। हाँ दोस्तों एक चीज़ फीचर यहाँ पर और एडिशनली मिलता है आपको वेन्यू में, जो है क्रूज कंट्रोल, जो कि आपको i20 में नहीं मिलेगा, तो ये भी एक बेनिफिट वाली बात हो जाती है अगर आप वेन्यू चूज कर रहे हैं तो। बट ये फीचर SUV बनाए ऐसा नहीं है, आपको अगर आप हाई एंड वेरिएंट पर जाएंगे i20 के भी तो वहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाएंगे। साथ ही रिमोट कार लॉक अनलॉक का फीचर है, आप फाइंड माई कार कर सकते हैं। हाँ जो जैसा कि मैंने बताया था कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी में AC का पावर ऑन ऑफ आप कर सकते हैं वेन्यू में, जबकि आपको ये फीचर नहीं मिलेगा i20 में। ये छोटा सा एक चीज़ है जो कि आप अगर प्रीमियम हैचबैक लेने जाएंगे तो बहुत कम कार्स में, अल्ट्रोज में भी आप आयरा मिलता है बट AC ऑन ऑफ करने का फीचर नहीं मिलता है। जियो फेंस करने का, यानी कि आपकी गाड़ी को एक पर्टिकुलर एरिया में आप रखना चाहते हैं, अगर उससे बाहर जाए तो आपको नोटिफिकेशन आए, ऐसे आप फेंसिंग करना चाहते हैं मैप पर,
वो आप कर पाएंगे दोनों गाड़ियों में। तो चलिए ये तो थी कंफर्ट की बात, आप किस तरीके से गाड़ी को यूज कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्या चीजें हैं सेफ्टी के लिए इन दोनों गाड़ियों में, क्या चीजें इन्हें बनाती है एक दूसरे से अलग। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है वेन्यू का। इसमें आपको मिल जाता है हिल होल्ड कंट्रोल का ऑप्शन, मतलब आप गाड़ी जब हिली एरियाज पे लेकर जाएंगे, बिल्कुल अगर आप एसयूवी ले रहे हैं तो आप ऐसे हिली एरियाज पे ज्यादा जाना चाह रहे हैं, आप ऑफ रोडिंग ज्यादा करना चाह रहे हैं, तो हिली एरियाज पे जब जाते हैं आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जाएंगे, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वहां पर लग जाता है, जब भी आप गाड़ी का क्लच से पैर हटाएंगे एक्सेलरेट करने के लिए, गाड़ी पीछे की तरफ रोल डाउन होगी। बट यही चीज हिल होल्ड कंट्रोल जो है बचा लेता है आपको इस चीज से। क्या करता है, गाड़ी को आपने ब्रेक से पैर हटाया, ब्रेक से एक्चुअली आप पैर हटाते हैं एक्सेलरेटर पर पैर रखने के लिए, ब्रेक से पैर हटाया तब गाड़ी को 1 से 2 सेकंड तक होल्ड करके रखता है कि आप एक्सेलरेट कर सकें, वरना उतने समय में गाड़ी पीछे की तरफ आती है और वही चीज़ फिर प्रॉब्लम होती है कि आप गाड़ी को सही से एक्सेलरेट नहीं कर पाते। तो एक ऑप्शन इसको एसयूवी होने में मदद करता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, गाड़ी जो है अगर रोड पर चल रही है तो गाड़ी में फीचर्स होने चाहिए भाई, क्योंकि हाइटेड गाड़ी है, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, रोड से पकड़ अच्छी रहनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम होता है, गाड़ी को रोड में अच्छी पकड़ मिल जाती है, अच्छे से स्टेबल गाड़ी चला सकते हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है चलाने में, जो आपको i20 में नहीं मिलेंगी दोनों चीज़ें। साथ ही ब्रेक असिस्ट भी दिया जा रहा है हुंडई की तरफ से वेन्यू में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि ये फीचर एसयूवी का ही है, ऐसी बात नहीं है, मारुति की गाड़ियां देखिए, स्विफ्ट में भी आता है, डिजायर में भी आता है, ब्रेक असिस्ट काफी अच्छा फीचर होता है। सामने कोई गाड़ी चल रही है उससे उसने अगर सडन ब्रेक लगाया तो आपकी गाड़ी में भी ब्रेक लग जाएंगे। साथ ही सेफ्टी के लिए एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम EBD दोनों गाड़ियों में मौजूद है। बात करें एयरबैग्स की, तो जैसा कि हमने देखा सिर्फ 1 लाख रुपए ज्यादा आपको पे करने पड़ रहे वेन्यू में, बट आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, काफी सारे फीचर, क्रूज कंट्रोल बढ़ गया, हिल होल्ड कंट्रोल बढ़ गया, और बढ़ गया आपकी एक और चीज एयरबैग्स, आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, जबकि आप देखेंगे हुंडई की i20 में यहाँ पर आपको सिर्फ 2 एयरबैग मिल रहे हैं। सो आप अब चूज कर सकते हैं कि यार इंजन तो सेम ही मिल रहा है लेकिन मुझे ज्यादा बेनिफिशियल चीजें मिल रही है वेन्यू में, तो क्यों ना 1 लाख रुपए अगर आप सोच ही रहे हैं बढ़ाने का तो आप वेन्यू ही ले ले, क्योंकि इतने सारे फीचर्स जो ऐड हो रहे हैं दोस्तों ये 1 लाख रुपए बढ़ाने के बाद भी आपको काफी सारी गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, चाइल्ड सीट का एंकरेज पॉइंट भी वेन्यू के अंदर ही मिलता है आपको। सो जैसा कि हमने देखा दोस्तों सेफ्टी वाइज ज्यादा बेटर है आपकी वेन्यू, क्योंकि 6 एयरबैग लगे हुए हैं। स्टाइल वाइज इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखने में दोनों गाड़ियां अच्छी लगती है। वेन्यू आपको थोड़ा सा एसयूवी सा लुक देगी, थोड़ा सा आपको प्रीमियम हैचबैक वाला लुक बिल्कुल मिलने, प्रीमियम हैचबैक थोड़ा क्या पूरा ही लुक आपको मिलेगा, देखने में काफी सुंदर आपको i20 भी लगेगी, थोड़ी सी ज्यादा ऊंची आपको ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में मिल जाएगी वेन्यू। हिल होल्ड कंट्रोल के साथ आएगी, आप ऑफ रोडिंग भी आराम से कर सकते हैं, 17-16 का माइलेज आपको हाईवेज पर और 14-15 का माइलेज आपको सिटी में प्रोवाइड कर सकती है, हालांकि माइलेज के मामले में थोड़ी सी पीछे हो जाती है i20 से। बट जितने फीचर्स आपको वेन्यू में मिल रहे हैं दोस्तों इस प्राइस रेंज में, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल भी मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको वेन्यू ही चूज करनी चाहिए। सो आई होप आपको ये कंपैरिजन जरूर अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं लगा है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चीज़ें हमने मिस कर दी हैं, ताकि हम अगले वीडियोज़ में उसे ले सके। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।